जादुई लंबे पैर हाथी और नागिन। एक गांव में संतोष नाम का आदमी रहता था। संतोष के पास चार हाथी थे। संतोष अपने हाथी के ऊपर बच्चों को बैठाकर घुमाया करता था। उसे जो पैसे मिलते थे, संतोष का परिवार चलता था। एक दिन संतोष अपने हाथी को लेकर जा रहा था, तभी नाग और नागिन उस रास्ते से गुजर रहे थे। संतोष नाग और नागिन को ना देखते हुए नाग के ऊपर हाथी का पैर रख देता है, जिसके बाद नाग की मौत हो जाती है। यह सब देखकर नागिन गुस्सा हो जाती है। तूने मेरे नाग को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने नाग को नहीं देखा था। जिस पैर से तेरा हाथी मेरे नाग को मारा है, अब ये हाथी का पैर लंबा हो जाएगा। नागिन की शक्ति से हाथी का पैर लंबा हो जाता है। ये देखकर संतोष डर जाता है। इस हाथी को देखकर बच्चे डर जाएंगे, इसके ऊपर कोई भी नहीं बैठेगा। संतोष लंबे पैर हाथी को छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन संतोष अपने तीन हाथी को लेकर बच्चे के पास जाता है। आओ बच्चों, कौन कौन हाथी के ऊपर बैठेगा? संतोष आनंद को अपने हाथी के ऊपर बैठा देता है। तभी हाथी का पैर लंबा हो जाता है। ये सब देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर नागिन खुश हो जाती है। संतोष दुखी होते हुए दोनों हाथी को लेकर जंगल में बैठा हुआ था। तभी एक पुजारी उस रास्ते से जा रहे थे। पुजारी को देखकर संतोष उनके पास जाता है और सारी बात बताता है। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। जब तक तुम्हें नागिन मार नहीं देती, तुम्हें परेशान करती रहेगी। पुजारी की बातें सुनकर संतोष डर जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी नाग वहां आता है। ए संतोष, तुम मेरे शरीर को लेकर नागिन के पास जाना होगा। संतोष मरे हुए नाग को लेकर नागिन के पास जाता है। तुम मुझे माफ कर दो या मुझे मार दो। नागिन संतोष को मारने वाली थी। तभी नाग प्रकट हो जाता है। ए नागिन, तुम संतोष को छोड़ दो। नागिन की बातें सुनकर नागिन संतोष को छोड़ देती है। अगले दिन संतोष हाथी के ऊपर बच्चों को बैठाकर खुशी खुशी घुमाया करता है।